गया, मेरी मम्मी को बहुत पसंद है ये वाली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जानी लाइट। आई एम संतोष यादव। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। सो आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी ही होगी डेल्टा स्वीट की। अगर वो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है? और बाकी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को एंड होने के बाद वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा। सो अभी हम लोग हैं दुर्गापुर में, मतलब दुर्गापुर का जो मतलब सिटी सेंटर है, मतलब सिटी सेंटर वो जगह है जहाँ से आपको मतलब हर जगह के लिए बस मिल जाएगी। आपको कहीं भी जाना हो, जैसे कि आपको दीघा जाना है, कोलकाता जाना है, हर जगह के लिए बस मिलती है यहाँ से सिटी सेंटर से। तो वहीं हम सिटी सेंटर पे हैं, हमारी बस है आज बांकुड़ा के लिए दुर्गापुर से। एसी बस करी है हमने आज, SBSTC की, ठीक है? बाकी जर्नी में जो जो होता है वो आपको दिखाएंगे। बाकी वीडियो आपको कैसी लग रही है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकुड़ा गणेश पहले से बाकुड़ा 3:44 बाकुड़ा गणेश पहले से बाकुड़ा बाकुड़ा गणेश पहले से बाकुड़ा 3:44 बाकुड़ा। सो काफ़ी टाइम वेट करने के बाद फाइनली हम बस में बोर्ड कर गए हैं। मतलब बस तो करीब लेट आई, हम पहले ही पहुंच गए थे वहीं बस स्टॉप पे दुर्गापुर के। चलिए अब बस में ही हैं, वैसे जो भी कुछ होता है जर्नी में वो आपको दिखाएंगे। बाकी सीट के बारे में बात करूँ तो सीट तो ठीक ठाक है, बट लोगों ने गंदगी ज़्यादा ही मचा रखी है यहाँ पे। वैसे चूना लग चुका है मेरे को, जब मैंने टिकट बुक करी थी 80 रुपये की। मत अगर मैं ऑफलाइन बुक करता हूँ ना तो मेरे को वही टिकट पड़ेगी 70 रुपये की। बाकी आपको ये बस का छोटा सा एक टूर दे देता हूँ, आप देखिए, रुकिए बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 2x2 की सीटिंग है इसमें। बाकी ये AC के वेंट है पकड़ने के लिए, आपका कर्टेंस वगैरह भी है। बाकी ये चीज़ गलत लगी, लोगों ने कचरा फैला रखा है यहाँ पे। बाकी फुट रेस्ट बस, और कुछ तो है नहीं इसमें। बाकी ये बाहर का व्यू। बाकी आपको ये जर्नी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थोड़ा एक्चुअली बाल बिखर रहे हैं। बस अब बांकुड़ा पहुँचते हैं, अपने वही होटल में रुकेंगे। होटल हिल्टन में हमने बुक कर रखा है आज का, मतलब कुछ दिन का स्टे है हमारा होटल हिल्टन में। अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो आपको अपडेट देते हैं। बाकी हम लोग अभी SBSTC की बस कर रही है, SBSTC की बस कर रखी है हमने। बस वही है 10 रुपये का हमको चूना लग गया। अगर आप ऑफलाइन, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप आते हैं तो आप सिटी सेंटर से ऑफलाइन बस लीजिएगा, ठीक है? वैसे मेरा बस का बुक टाइम था 11:15 का, लेकिन बस आते आते 11:40 तक बस आई है। मतलब इतनी जल्दी आने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैं तो डर रहा था, मुझे लगा बस निकल गई, बट 11:40 तक बस आई है। चलिए अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए होगी इसके बारे में तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी वही अभी हम लोग बस में बैठे हुए हैं। तो बाकी एक आपको एक और चीज़ बतानी थी मेरे को, जैसे कि इस बस का ना 2 पॉइंट है। आप बस मतलब दुर्गापुर के रेलवे स्टेशन से ही पकड़ सकते हैं। मेरा स्टे तो डेल्टा स्वीट में था तो मेरे को पास मतलब सिटी सेंटर पड़ा। अगर आप दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के पास है तो जो SBSTC का बस स्टैंड है वहीं पे आपको ये AC बस में मिल जाएगी, ठीक है? आप वहाँ से भी इसे पकड़ सकते हैं, ठीक है? 2 स्टॉप है यहाँ दुर्गापुर में, आप चाहें तो दोनों जगह से पकड़ सकते हैं जहाँ से आपको पास पड़े। बस यही बताना था आपको। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
तो अभी हमने ये ले लिया है, ये मेरी मम्मी को बहुत पसंद है ये वाली टोपी। मतलब वो जब भी बांकुड़ा जाती है, हम लोग दुर्गापुर से बांकुड़ा जाते हैं, तो ये टोपी ज़रूर लेते हैं। और ये बादाम ले लिया है मैंने, ये मेरे को पड़ा है 10 रुपये का, दोनों 10-10 रुपये का। बाकी हम लोग दुर्गापुर के रेलवे स्टेशन पे हैं, और ये बस स्टॉप है SBSTC का। चलिए ये लिया, ये दो चीज़ इसको खाते हैं, ठीक है, और आपसे मिलते हैं। बाकी ये बस जर्नी में तो कुछ ना कुछ चलना ही चाहिए, तो ये बादाम ले लिया है मैंने, और ये टॉप लिया है मैंने, बस पूरे रास्ता ऐसे ही जाएगा। और यहाँ एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, रुकिए, ये आप देख सकते हैं दुर्गापुर का रेलवे स्टेशन, इसके बाहर से ही निकल रहे हैं हम लोग। देख सकते हैं दुर्गापुर का रेलवे स्टेशन है ये, चलिए अब दुर्गापुर से निकल गए हैं, अब एंट्री आएंगे, जैसे ही बैरेज क्रॉस होगा हम लोग एंट्री करेंगे बांकुड़ा में। बस ऐसा कुछ दिखता है ये दुर्गापुर का रेलवे स्टेशन। देख लीजिए दुर्गापुर का रेलवे स्टेशन, बाकी हम लोग पहुंच चुके हैं दुर्गापुर के बैरेज में, मतलब ये स्टेशन के पास ही है, करीब 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से। ये बैरेज क्रॉस होने के बाद ही बांकुड़ा स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। बाकी बस जर्नी अगर आपको ऐसे ही पसंद आती है तो मैं आपके लिए बस जर्नी भी करूँगा, ठीक है, आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी बस अभी तो इतना ही, बाकी जो जर्नी में होता है दिखाते हैं आपको कहाँ कहाँ रुकती है बस या नॉन स्टॉप जाती है बांकुड़ा तक, ठीक है। वैसे एक आपको एक बात बतानी थी, ये जो बस है, ये मतलब जो दुर्गापुर का बस स्टॉप है ना गोविंदा नगर, वहाँ तक नहीं जाती, ये SBSTC जो बस स्टॉप है ना, बस टर्मिनल, वहाँ तक जाती है, ठीक है। अगर आप इसमें जर्नी कर रहे हैं तो आपके लिए छोटी सी जानकारी। अभी ये बस स्टॉप आया है बरचोड़ा SBSTC का, देख सकते हैं बरचोड़ा पहुँच गए हम लोग, आप बंगाली में लिखा आप पढ़ सकते हैं। लोग ने क्रॉस किया है फुलबेड़िया, बाकी जो आता है आपको अपडेट देते हैं। बाकी ये बस मुझे लग रहा है कहीं रुकती नहीं है, नॉन स्टॉप है बांकुड़ा तक। चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, बताते हैं बाकी आपको अपडेट देते हैं। बाकी बहुत तेज़ नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठना पड़ा था बस की वजह से। चलिए आपको जो भी होता है बाकी अपडेट देता हूँ। तो हम बात करें जिसका सेकंड स्टॉप था बेलातोड़, मतलब जितनी बड़ी बड़ी जगह ना यहाँ वहाँ पे ये बस रुकी है, जैसे कि बेलातोड़ में रुकी थी अभी थोड़ी देर के लिए। बेलातोड़ से इसे राइट टर्न लेगी मतलब बांकुड़ा के लिए, तो वही बेलातोड़ में अगर आप बोर्ड करते हैं इस बस को, एसी बस को, तो आप बोर्ड कर सकते हैं SBSTC की, ये जो एसी बस है। बाकी हम बात करें तो हम पहुंच चुके हैं लगभग बांकुड़ा ही, मतलब ये देख सकते हैं वेलकम टू बांकुड़ा टाउन लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से हमारा होटल करीब 10 मिनट भी नहीं लगेगा, मत बस बहुत घुमा के जाती है तो हमें घूम घूम के जाना पड़ेगा। बाकी ये लाल बाजार आ चुका है, मतलब बहुत टाइम से तो ये रोड बंद ही था, पता नहीं किस रीज़न से बंद था, अभी तो हम पहुंच चुके हैं। वैसे बहुत टाइम बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ लाल बाज़ार, मतलब ये बहुत पतली रोड है, अगर जो बांकुड़ा से मेरी वीडियो को देख रहे हो उन्हें तो आइडिया ही होगा ये रोड के बारे में,
मतलब कि यहाँ की पुलिस कैसे ही इस रोड को मेंटेन करती है, मतलब इतनी बस वगैरह जाती है यहाँ से, हैवी व्हीकल, मतलब हैट्स ऑफ है बांकुड़ा पुलिस को। बाकी हम लोग ये बांकुड़ा के रेलवे स्टेशन के साइड से गुजर रहे हैं, मगर आप बांकुड़ा आते हैं तो ये साइड में स्टॉल वगैरह भी है खाने पीने का, मिठाई की दुकानें वगैरह भी हैं, आप यहाँ से आप चाहें तो मिठाई ले जा सकते हैं, यहाँ की मिठाई भी सही होती है। बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल में एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे, मतलब छोटे से छोटे दुकानदार के पास आप जाओगे तो आपको मिठाई मतलब एक से एक मिठाई मिलेगी, वो टेस्टी रहेगी, ये नहीं कि मतलब ख़राब दे दे आपको, मतलब आप टेस्ट करके लें, मतलब मिठाई तो एक नंबर है, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। बाकी आप देख सकते हैं बस पूरी खाली हो चुकी है, मतलब एक दो लोग ही बचे हुए हैं। और ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं भैरव स्थान, ठीक है, भैरव स्थान से मतलब यही यहाँ से अब क्रॉस करने के बाद अब डायरेक्ट अब मिलते हैं आपसे, मतलब जो SBSTC का वो बस टर्मिनल, वहीं पे हमें उतरना पड़ेगा। सो बस टर्मिनल SBSTC के बस टर्मिनल से हमने ये टोटो बुक किया है, टोटो मतलब जो ई रिक्शा होता है ना हमारे यहाँ पे, वही हमने बुक कर रखा है होटल के लिए। चलिए अब ई रिक्शा से हम चलते हैं, बाकी जो जो होता है वो आपको दिखाएंगे, ठीक है, बाकी होटल तक हमने ही बुक कर रखा है। सो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं गोविंद नगर बस स्टॉप, मतलब मुझे तो लग रहा था यहाँ तक बस आएगी, लेकिन बस हमें SBSTC के टर्मिनल पे उतार दिया है, ठीक है। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं मतलब बांकुड़ा में, बाकी सो हम पहुँच चुके हैं अपने होटल में, होटल हिल्टन में। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, बाकी ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए जर्नी राइड को। सी यू, बाय बाय। देख लीजिए गाइस, ये दिल्ली का चांदनी चौक है, विश्वास नहीं हो रहा ना, देखिए ये लाल किला है, लाल किला पर हम सोचते ही लाल किला देखता हूँ। हम दिल्ली में हैं।